हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। प्रीवियसली हम लोग जो पढ़ाता है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे आगे जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है। जो ये पार्ट टू है वो बेसिकली डिप्रेशन का है, तो आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। जो नेक्स्ट उसका पोर्शन रह गया, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर उसको कवर अप नहीं हो पाता, इसलिए हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड करके बनाया है। तो हम लोग आज सेकंड पार्ट इसको पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले बात कर ले प्रीवियसली, डिटेल में पढ़ना है आप लोग को, तो आप लोग लास्ट का वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा टॉपिक क्या डिटेल है। तो हम लोग लास्ट में जो पढ़ा था हमने, पहले क्या पढ़ा था, डेफिनेशन। प्रीवियस का पढ़ा था हमने डिफाइन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसका, इसमें हमने क्या पढ़ा था, मेनाकोलिया बोलते हैं। सेकंड में पढ़ा था हमने जो डेफिनेशन था, डेफिनेशन क्या था पर्सन्स का, जो एक बेसिकली क्या है कि मूड डिसऑर्डर है, इसमें पर्सन्स का क्या होगा, फीलिंग का लॉस हो जाएगा, ठीक है, या फिर डिक्रीज फीलिंग होगा, और इंटरेस्ट क्या होगा पर्सन्स का, डिक्रीज होगा, तो दैट कॉल्ड एज डिप्रेशन। फिर नेक्स्ट इंसिडेंस था, इंसिडेंस का रेशियो क्या पढ़ा था प्रीवियसली हमने, क्या पढ़ा था, 10, 10 में से एक व्यक्ति को डिप्रेशन का डिसऑर्डर मिल जाता है। और भी पढ़ा था कि कॉजेज में हमने बात की थी, कॉमनली क्या था, जेनेटिक फैक्टर होता है, उसके बाद में जेनेटिक के बाद में नेक्स्ट आएगा फैमिली हिस्ट्री आएगा, और ड्रग्स ही आएगा, या फिर किसी ड्रग का एडिक्शन हो सकता है पर्सन को। और ओवरऑल जो भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो डिटेल में आप लोग देख सकते हैं पुराना वीडियो। और इसके बाद आज हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा आज का, सब टॉपिक क्या होगा, आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या है बेसिकली, जो पर्सन्स के हम लोग देख सकते हैं या हम लोग इनको देख के बता सकते हैं कि ये स्पेसिफाई करेगा डिसऑर्डर कौन सा वाला है। तो कॉमन जो डिसऑर्डर का डिप्रेशन को जो कॉमन सबसे ज़्यादा सिम्टम्स में फर्स्ट लिया था, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ ब्लेमिंग, चेंजेज इन एपिटाइट, पर्सन्स को जो भूख है वो चीज कम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, स्लीपिंग पैटर्न अल्टर्ड हो जाएगा पर्सन्स का, और ऑब्वियसली हो सकता है इसमें पर्सन्स का वेट लॉस होता है, जो कि क्या होगा अनइंटेंसली होगा, उसका रीज़न नहीं होगा क्योंकि वेट लॉस क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या व्यक्ति पर्सन में देखने को मिल सकती है। और लाइक नेक्स्ट आएगा लिबिडो हो गया, तो मैं कुछ पॉइंट जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हमको यहाँ के मेंशन कर देता हूँ। लाइक फर्स्टली क्या होगा, फर्स्ट क्या बात करें हम लोग पर्सन का, क्या होगा, डिक्रीज इंटरेस्ट, डिक्रीज इंटरेस्ट हो गया, लॉस ऑफ एपिटेट हो गया, देन इसका क्या स्लीप चेंज हो गया, वेट लॉस हो गया, ये सारी चीजें हैं पर्सन्स में कॉमनली पाई जाएंगी। और एक और जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, लिबिडो, दैट मीन्स क्या होगा, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट सिम्टम्स हैं बात करें तो, जो भी ये भी एक कॉमन सिम्टम्स चल रहे हैं, हम लोग आगे भी बात करेंगे स्पेसिफिक में। फर्स्ट क्या होगा, होपलेसनेस हो गया, फिर हेल्पलेसनेस हो गया, हेल्पलेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट होगा रेस्टलेसनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, स्लो मूवमेंट ऑफ स्पीच, ठीक है, स्लो क्या आएगा, स्लो क्या होगा पर्सन का, स्लो क्या होगा बेसिकली पर्सन का स्पीच हो जाएगा, और
मूवमेंट, पर्सन का स्पीच और तमाम मूवमेंट कह जाएंगे स्लो हो जाएंगे। फिर उसका नेक्स्ट क्या आएगा, फटीग होगा, फीलिंग ऑफ गिल्ट आएगा, फीलिंग ऑफ गिल्ट होगा। ये सर क्या है, कॉमन जो पर्सन के सिम्टम्स हैं डिप्रेशन वाले पर्सन में मिलेंगे हम लोग को देखने के लिए, क्लियर। इसके बाद एक और जो कॉमन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका सिम्टम है क्या होगा, पर्सन का सुसाइडल थॉट, क्या होगा, सुसाइडल थॉट होगा, ठीक है। सुसाइड थॉट आएगा पर्सन के अंदर, क्लियर। या फिर क्या कर सकते पर्सन, सुसाइडल अटेम्प्ट भी ले सकता है। ये सारे क्या है, सिम्टम्स हैं जो कि हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, क्लियर। नेक्स्ट आएगा इसके बाद में जो सिम्टम्स हैं उनमें बात करें कॉमनली बेस्ड ऑन द जेंडर, क्या होगा, जेंडर के हिसाब से हम लोग करते तो क्या होगा, पहले इन क्या होगा, जेंडर वाइज बात करें तो हम लोग फीमेल्स में बात करते कॉमनली क्या होगा, एंजाइटी हो गया, इरिटेबिलिटी हो गया, ठीक है, फटी हो गया, और रिकरिंग मूड स्विंग हो गया, पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया, या फिर पोस्ट मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर हो गया। ये सारे क्या है, फीमेल्स में कॉमनली पाए जाने वाले डिसऑर्डर्स हैं। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग मेल, मेल्स में क्या क्या कंडीशन आएगी, फर्स्टली अवॉइडिंग फैमिली एंड सोशल सिचुएशन, फर्स्टली क्या आएगा उसके अंदर, मेल के अंदर क्या आएगा, अवॉइड, क्या आएगा, अवॉइडिंग आएगा, ठीक है। फर्स्टली क्या करता है, अवॉइडिंग करता है दोनों को, फैमिली को और फैमिली एंड सोशल, दोनों ही सिचुएशन का क्या करेगा पर्सन, अवॉइड करेगा। नेक्स्ट क्या होगा, पर्सन हैविंग डिफिकल्टी होगी पर्सन को क्या करने में, जॉब या वर्क, जिसका वर्क है, वर्क कांट डू, तो वो क्या करेगा पर्सन, जो डिप्रेशन वाला पर्सन को अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और क्या होगा पर्सन को, हो सकता है हम लोग उनमें देख सकते हैं एब्यूजिव कंडीशंस भी हम लोग दे सकते हैं पर्सन्स के अंदर, क्योंकि पर्सन्स में जब डिप्रेशन आता है तो वो क्या करता है, किसी न किसी सब्सटेंस का एडिक्शन ले लेता है, या फिर जो सब्सटेंस को यूज़ करने लग जाता है, ठीक है। और इसके बाद में एक बात करें, नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा ये क्या हो गया, जेंडर वाइज हो गया, इसके बाद हो गया जेंडर वाइज हो गया। और एक और नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो क्या आएगा, चाइल्ड, यह बोले जाए कॉलेज स्टूडेंट्स में भी डिप्रेशन देखा जा सकता है। तो बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन वाले कॉलेज स्टूडेंट्स में, उनका नाम बता के दे रहा हूँ, इंसोमनिया, स्लीप बहुत ज़्यादा होगा, इंक्रीज स्लीप होगा, है ना, डिक्रीज का इंटरेस्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। नेक्स्ट आएगा डिक्रीज एपेटाइट, एंजाइटी होगा पर्सन में, अवॉइडिंग सोशल सिचुएशन, ये सब क्या है पर्सन के जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और भी बात करें इसके लिए तो ये सब क्या हो गया, सिम्टम्स हो गया कॉमनली, ठीक है। देन इसके बाद में जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं जितने कॉलेज स्टूडेंट्स हो गया, इन कॉलेज स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो चिल्ड्रंस में क्या क्या कंडीशन आ सकती है, चिल्ड्रंस में जो क्या होगा, जो चिल्ड्रंस के एज ग्रुप क्या लेंगे हम लोग, स्कूल का एज ग्रुप क्या आता है, एवं एवं 70 आ गया कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, क्लियर। फिर जो चिल्ड्रंस आएगा वो क्या आएगा, स्कूल का बात आती है 6 से 12, ठीक है। ये क्या होगा, स्कूल एज होगा
फिर एक एडल्सन केस में आएगा 12 to 16। ठीक है, तो हम लोग इस ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि 6 ईयर से 16 ईयर तक का एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में जो भी बच्चे आएंगे उनमें भी डिप्रेशन देखा जाएगा, तो उसकी क्या सिम्टम्स होंगे? फर्स्टली क्राइंग, लॉस ऑफ एनर्जी, और नेक्स्ट आएगा पर्सन को बिहेवियर क्या होगा, पर्सन का डिफर होगा जो नॉर्मल पर्सन है उनसे, तो ये सब क्या हो गया, चिल्ड्रंस की बात होगी। फिर जो नेक्स्ट कंटेंट आएगा इसके बाद में क्या आएगा, डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन आ गया। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन आप लोग जानते हो पहले से, कॉमनली जो चीज हमें एसेस करनी होती है, हमें पता करनी होती है, वो क्या होता है, हिस्ट्री टेकिंग हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, और जो हम लोग बात कर रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो हम लोग एक स्पेसिफिक टूल है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं हम MSE। फर्स्ट क्या हो गया, हिस्ट्री टेकिंग हो गया, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, थर्ड क्या होगा, MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्लियर, ये सब हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आएगा MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट आएगा इसके बाद में सीटी स्कैन हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये सारे हो गए। ये तो क्या है, कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये तो कॉमनली डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जो हम लोग सब डिसऑर्डर में यूज कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो डिसऑर्डर क्या आएगा, वो क्या आएगा इसके लिए, हैमिल्टन डिप्रेसिंग रेटिंग स्केल। ये क्या स्पेसिफिक टूल है, इसमें हम पर्सन के लिए 21 क्वेश्चन देते हैं, जो हैमिल्टन डिसऑर्डर लिख के दे रहा हूँ, हैमिल्टन डिप्रेसिव रेटिंग स्केल, तो इसका क्या होगा, बेसिकली 21 क्वेश्चंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग रैंक निकालते हैं, और इसके द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं पर्सन्स की जो सीवियरिटी है, क्या पता करेंगे, सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन हम लोग मालूम कर सकते हैं हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल के द्वारा। क्लियर, फिर इसके बाद एक और नेक्स्ट जो स्केल है वो क्या है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आयर मेथड होता है, इसमें हम लोग प्रोफेशनली जो क्वेश्चंस होते हैं या जो सिम्टम्स होते हैं उसके बेसिस में हम लोग टिक करते जाते हैं, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पर्सन को डिप्रेशन है या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद में क्या आएगा, ट्रीटमेंट, क्या आएगा ट्रीटमेंट जो आएगा उसमें आप लोग सब लोग जानते हैं, जब हम लोग जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली क्या है, थ्री मॉडलिटीज होती है, फर्स्ट फार्माकोलॉजी, सेकंड साइकोथेरेपी या फिर साइकोसोशल थेरेपी बोलते हैं इनको, नेक्स्ट आएगा थर्ड नंबर आता है सोमेटिक थेरेपी या बोला जाए ECTs के अंदर आता है, तो वो चीज़ हमें, ये तीन बेसिक ट्रीटमेंट मॉडलिटीज है साइकेट्री के अंदर, तो जो कि हमें पढ़नी है। तो फर्स्टली हम लोग बात कर रहे हैं डिसऑर्डर कौन सा है, डिप्रेशन डिसऑर्डर है। ठीक है, डिप्रेशन डिसऑर्डर में हम लोग रिलीज करने के लिए क्या देंगे, एंटी डिप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं हम लोग फार्माकोलॉजी क्या देंगे, हम लोग सबसे पहले एंटी डिप्रेशन देंगे। क्लियर, एंटी डिप्रेशन ड्रग देंगे, इसमें हम लोग कॉमनली जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल बताएं तो SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, और इसमें दूसरा ग्रुप क्या है, मोइस, इसको बोलते हैं हम लोग मोनो अमीनो ऑक्सीडेज
इनहिबिटर। क्लियर, ये क्या है, दो ऐसे ग्रुप है जो कि रिप्रेजेंट के अंदर कॉमनली यूज करते हैं और भी देख रखे हुए हैं, लेकिन हम लोग अभी इतना डिस्कस नहीं कर सकते। तो फर्स्टली क्या है, एसएसआरआई का एग्जांपल बता के दूं तो मैं आपको, फर्स्टली क्या होगा, फ्लुऑक्सेटिन। ठीक है, मोइस का एग्जांपल बात करें तो क्या करेंगे, एमिप्रामीन करके ड्रग आता है, वो चीज़ हम लोग देते हैं। और ये क्या है, पर्सन को डिप्रेशन कम करने, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए या डिप्रेशन को कम करने के लिए काम आता है। और भी जो ग्रुप है यूज करते हैं, ये तो क्या एंटी डिप्रेशेंट, साइड वाइज यूज करेंगे एंटी साइकोटिक, एंटी साइकोटिक हो गया। इसके अंदर कॉमनली यूज करने वाला ड्रग कौन सा है, सीपीजेड। क्लियर, फिर इसके बाद में नेक्स्ट आएगा एंटी एंजाइटी, एंटी एंजाइटी। एंटी एंजाइटी आप लोग जानते हो किसके लिए देते हैं, टू रिड्यूस एंजाइटी। तो इसको एग्जांपल क्या होगा, डायजेपाम, क्या होगा, डायजेपाम हम लोग इसलिए यूज करते हैं, डायजेपाम यूज करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ड्रग्स हो गई, एंटी डिप्रेशेंट, एंटी साइकोटिक, एंटी एंजाइटी ड्रग, ये क्या हो गया, फार्माकोलॉजी के अंदर, यह बोले साइको फार्माकोलॉजी। क्लियर, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, साइको थेरेपीज। ठीक है, तो साइको थेरेपी जो कॉमनली यूज करते हैं उनका नाम मैं आपको बता के दे दूंगा, फिर हम लोग उन्होंने बात करेंगे इससे क्या होता है, या फिर जो थेरेपी है उसका कैसे एक्शन है इसको डिप्रेशन को कम करने के लिए। फर्स्ट ये बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड नेक्स्ट क्या आएगा, साइको थेरेपी। साइकोथेरेपी में सबसे कॉमनली यूज की जाने वाली जो थेरेपी है वो क्या है, सीबीटी, क्या है, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पर्सन्स का जो बिहेवियर है ये बेसिकली बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए यूज की जाने वाली थेरेपी है। पर्सन्स का जो इंटरेस्ट लॉस हो रहा है या फिर हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्सन के लिए सीबीटी यूज करेंगे, जिससे कि पर्सन को अपना बिहेवियर मॉडिफाई हो और उसको पर्सन को जो प्रॉब्लम आ रही है वो सारी चीज़ें सॉल्व हो सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। इंडिविजुअल साइकोथेरेपी पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा दी जाती है, आप लोग पढ़ चुके हो थेरेपीज में, मैं एक बार लिस्ट करके दे रहा हूँ, फैमिली थेरेपी दे सकते हैं हम लोग, आईपीए थेरेपी दे सकते हैं, ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, ये सारी क्या है, साइकोथेरेपीज हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे टू रिड्यूस डिप्रेशन या टू ट्रीट डिप्रेशन। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड जो आएगा, थर्ड जो थेरेपी आएगा वो क्या आएगा, साइकोसोमेटिक थेरेपी। साइकोसोमेटिक थेरेपी इसके अंदर हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो क्या है, ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी यूज करते हैं। ये क्या है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और इफेक्टिव थेरेपी है डिप्रेशन के लिए। ठीक है, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं डिप्रेशन में पर्सन के लिए, या जो सीवीटी की बेसिस पे यूज़ करते हैं हम लोग पर्सन के लिए, और जब जब ये इसका कॉमनली यूज ईसीटी तब किया जाता है जब हमारा जो एंटी डिप्रेशन ड्रग है वो उनका एक्शन या इफेक्ट कम देखे, तब एक हम लोग क्या करते हैं, ईसीटी यूज़ करते हैं पर्सन के लिए। क्लियर, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो या फिर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो पूरा लेक्चर है ये आप लोग एक बार समझिए, पूरा जो डिप्रेशन का टॉपिक था आज हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, और आप लोग को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। फर्स्ट में हम लोग बात की थी डेफिनेशन की, इंट्रोडक्शन की, देन इसके बाद में हम लोग इंसिडेंस देखे थे, फिर इसके बाद में हम लोग बात की थी कॉजेज की, कॉजेज के बाद में हम लोग बात की थी सिम्टम्स की, सिम्टम्स के बाद में बात की थी हम लोग किसके, पर्सन के जो डायग्नोसिस फीचर है, और उसके बाद लास्ट में ट्रीटमेंट की। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, इसके दो वीडियो बनाए हैं, प्रीवियस वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो या फिर ऊपर जाके मिल जाएगा आपको। ठीक है, और थैंक यू सो मच।